हेलो राम हिमाचली फैमिली, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आप सभी का एक बार फिर से न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूँ इस वक्त नालागढ़ में और नालागढ़ से मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। और आपको नालागढ़ से भरतगढ़ और कीर्तपुर और बिलासपुर होके ले जाएंगे मंडी अपने घर। लेकिन यहाँ पर आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने भाई को, जिनका चैनल है मास्टर कन्नू ब्लॉग, मिस्टर राहुल जी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मास्टर कनब ब्लॉग की ओर से राम राम और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम हिमाचली जी घर जा रहे थे तो इनको सोचा कि ड्रॉप कर देते हैं बस स्टैंड तक, क्योंकि ये कम से कम 1.5 महीने बाद घर जा रहे हैं, क्योंकि जब भी ये जाते हैं बारिश करवा के आते हैं। इसलिए मैंने आज इनको पहले ही बोल दिया कि आज जा रहे हो आप, तो ऐसी कंप्लेंट ना आए कि वहाँ पे रोड खराब हो जाए। पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से आया था, बाया टिंडी होके आया था, कोटरोपी और ये पठानकोट का रोड बंद था कोटरोपी के पास। और अब ये मुझे ड्रॉप करने आए हैं बस स्टैंड में, नालागढ़ के न्यू बस स्टैंड में। अभी आपको न्यू बस स्टैंड दिखाते हैं तो फिर ये अपने घर जाएंगे और मैं अब यहाँ से बस पकड़ के कीर्तपुर से मैं मंडी की बस लूँगा। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है न्यू बस स्टैंड, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, इंटर स्टेट बस टर्मिनल नालागढ़। ये नया बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड परे था पीछे जहाँ पर चौक है। और यहाँ पर भी धीरे धीरे रौनक मेला शुरू हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर दुकानें खुल रही है और लोग इस तरफ को आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ से बस लेता हूँ और राहुल भाई को यहीं से अलविदा कहते हैं। तो ठीक है मछली जी, बेस्ट ऑफ योर जर्नी। थैंक यू सर। तो मिलते हैं अब आपको जब आप वापिस आएंगे मंडे को, आप वापिस आएंगे तो उस टाइम मिलते हैं। और इसमें हसीन वादियों के आप ब्लॉग्स लेके आए, उसके बाद हम पूरी अपनी जनता को भी दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये बस मिल चुकी है, इससे मैं जाऊंगा कीर्तपुर तक, फिर आगे और बस लेंगे। फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं भरतगढ़, और ये भरतगढ़ है और ये रोड गया कीर्तपुर से चंडीगढ़ रोड 4 लेन। और ये बस जा रही है उन्ना, ये मुझे कीर्तपुर के पास छोड़ेगी। तो यहाँ से कीर्तपुर के लिए बस एंटर हो रही है, ये रहा 4 लेन और ये नालागढ़ का रोड। ये पंजाब का खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मुड़ रही थी तो जबरदस्त ब्रेक लगी। फ्रेंड्स, ये बीच में स्टेशन पड़ता है, इस स्टेशन का नाम है रूपनगर और ये रूपनगर का बस स्टॉप है। और यहाँ पर ढाबे इत्यादि है इधर उधर खाना वाना खाने के लिए। और ये 4 लेन यहाँ से कीर्तपुर थोड़ा ही दूर रहा है। अब ये बस मुझे कीर्तपुर में छोड़ के गई और ये जो मनाली वाला रोड है ये जो ऊपर से होके गया, और अब यहाँ से पौड़ी चढ़ के जाना है। तो मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, ये मनाली वाला रोड है, यहाँ से ऊपर को हो जाता है और ये कीर्तपुर बस स्टॉप है। और वहाँ से लगभग मुझे 1 घंटे से कम समय लगा नालागढ़ से यहाँ पहुँचने में। तो चलिए चलते हैं, अब यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर और ऊपर से आगे फिर मनाली वाली बस पकड़ते हैं मंडी के लिए। मंडी के लिए मनाली वाली बसें बहुत मिल जाती है यहाँ से, या यहाँ से बिलासपुर के लिए भी बस ले सकते हैं, फिर आपको मनाली वाली बस मिल जाएगी। और उधर से मालगाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी के इंजन में डब्बे लगाए होते हैं जिनमें माल जाता है, कोयला या कुछ और आइटम्स। तो ये मालगाड़ी हमारे साथ साथ ही आ रही थी पीछे से। वैसे तो नीचे से भी जाने को था पैदल सामने से,
लेकिन मैं ऊपर आ गया वीडियो बनाते बनाते। ये देखिए इतनी बढ़िया जालियाँ लगाई है यहाँ पर, और ये मनाली के लिए गाड़ियाँ जा रही है यहाँ से होकर के। उधर जो है बस स्टॉप है, वहाँ से मैं बस लूँगा। नालागढ़ से आप बायसवार घाट भी जाते हैं, लेकिन वो वाला रूट बहुत बोरिंग सा है, बहुत रोड जो है तंग है। अब यहाँ से टनल बन गई है, तो यहाँ से आना बेटर रहेगा। या तो बीच में पंजेरा बाया बरूणा भी आ सकते हैं, लेकिन वो रोड भी थोड़ा सा तंग है, तो यहाँ से बढ़िया रहता है सीधा 4 लेन में आप आ जाते हैं और सीधा आगे निकल जाते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को यहीं पर थोड़ी देर विराम देते हैं। लेकिन चीज़ें ही ऐसी मिल रही है, ये देखिए, ये जो है भाखड़ा नंगल का पानी है जो कि यहाँ से गुजर के जाता है। देखिए कितना बढ़िया खूबसूरत नज़ारा, लोग नहा रहे हैं उधर, गर्मी से राहत पा रहे हैं ठंडे ठंडे पानी में, और पूरे समुद्र की तरह यहाँ पर ये पानी लग रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, यहाँ से नज़रें हट नहीं रही है। वीडियो रोकने की सोच रहा हूँ, लेकिन वीडियो रुक नहीं पाती है, बहुत लंबी बन जाती है। मैं भी सोचता हूँ कि वीडियो छोटी बनाऊँ, लेकिन क्या ही करें, चीज़ें ही ऐसी मिल जाती है कि पूछिए मत। अब मुझे यहाँ से बस या कोई टैक्सी मिल जाए, टैक्सी भी देख सकता हूँ अगर कोई हो, खाली सीट हो तो देखते हैं, बस मिलती है या टैक्सी मिलती है, जो भी है ले लूँगा। ये रहा मनाली का रूट, पहाड़ों की तरफ ये रोड जाता है, अब चढ़ाई चढ़ाई है। तो चलिए थोड़ी देर रोकते हैं वीडियो को और बस को देखते हैं कि बस कहीं निकल ना जाए। और दोस्तों इस वक्त तो मैं पंजाब में हूँ, मतलब पंजाब में था जब से भरतगढ़ से आया था, लेकिन अब मैं दोबारा से हिमाचल की बाउंड्री में वापस जा रहा हूँ। धूप बहुत लगी है तो दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि हिमाचलियों को यहाँ पर धूप सहन नहीं होती है, बहुत ज़ोर की धूप लगती है, कई बार तो दिमाग काम ही करना बंद कर देता है भाई साहब। और यहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीर्तपुर साहिब जी की है, ये कीर्तपुर साहिब जी की पावन धरती है, और बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उधर देखिए गुरुद्वारा, और बहुत अच्छा लग रहा है इस धरती पर कदम रख के, इस वक्त मन बहुत खुश है। तो चलिए बस स्टैंड में मैं पहुँचने वाला हूँ। ये जी कीर्तपुर साहिब के ऊपर वाले बस स्टैंड में मैं पहुँच चुका हूँ, जहाँ से हिमाचल को, मनाली को, मंडी को, बिलासपुर, यहीं से बसें जाती है। केलांग के लिए भी यही रूट है, जब मनाली का है तो दिखती सी बात है कि वहाँ के लिए भी यही रूट है। तो अभी बसें दिख नहीं रही है, यहाँ से मैं बस देख रहा हूँ, जैसे बस दिखेगी या कोई लिफ्ट या टैक्सी तो हाथ दे दूंगा और निकल जाऊंगा। बिलासपुर के लिए शॉर्ट रूट हो गया है, मंडी के लिए 2.5-3 घंटे में पहुंच जाते हैं, और क्या चाहिए। वैसे तो 2.5 घंटे बिलासपुर के लिए लगते थे पहले, तो टनल बनने के बाद बहुत फ़ायदा हो गया है। और ये रहा इधर उधर का नज़ारा फ्रेंड्स, यहाँ पर गर्मी बहुत है, इसलिए यहाँ पर गन्ने का जूस पिया, और गन्ने का जूस बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा और बहुत स्वाद भी है। और यहाँ पर मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये यहाँ पर किलोमीटर लगा है, बिलासपुर कीर्तपुर साहिब से 60 किलोमीटर है, और मनाली 233 किलोमीटर है। धूप का मज़ा है बहुत, पूरी शर्ट जो है भीग चुकी है सीने से। फ्रेंड्स यहाँ से बस मिल चुकी है जोगिंदर नगर डायरेक्ट, और ये मुझे घटासनी उतार देगी। डायरेक्ट बस यहाँ से मिल चुकी है 4 PC की, और यहाँ से चढ़ने वाली है थोड़ी देर में। फ्रेंड्स कीर्तपुर साहिब से जब आप आगे आते हैं, कुछ किलोमीटर आगे आके टनल का द्वार आता है,
आपका स्वागत है। और यहाँ से अंदर को जब आप जाएंगे टनल का मुहाना, और यहाँ से हम जाएंगे अंदर। यहाँ से जो है 6-7 मिनट में हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे। और फ्रेंड्स, टनल से हम बाहर निकल चुके हैं। ये देखिए बाहर सवेरा है, अंदर जो है रात हो गई थी थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स, अब आगे चल के एक और टनल है। इस टनल का नाम है टनल नंबर 2। ये छोटी टनल है, सबसे बड़ी टनल पहली टनल थी। आगे छोटी छोटी ऐसी कुछ और टनल भी आएगी जो कि बीच बीच में आती रहेगी और बीच बीच में पुल भी आते रहेंगे। सेकंड टनल भी हम पार कर चुके हैं और आगे नज़ारा देखिए कितना प्यारा है। ये जो बीच में जगह है, ये जगात खाना का एरिया, और यहाँ बहुत अच्छा सुंदर गांव है। ये देखिए कितना प्यारा गांव है, यहाँ पर कितनी अच्छी हरियाली है, और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। सामने पहाड़ियाँ है, आगे चल के दोबारा से पानी की झील आएगी जो कि गोविंद सागर लेक है। बीच का एरिया कुछ इस तरह का है, दोबारा से लेक का नज़ारा देखने को मिलता है। ये यहाँ का सबसे लंबा पुल है, ये देखिए, और ये गंबर पुल वाला जो पानी है वो आ रहा है। जो पुराना रोड था वहाँ पर जो गंबर पुल था वहाँ का पानी यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा पुल बना है, और इधर उधर का जो खूबसूरत नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बताएं। आप खुद आके देखें तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैमरा में और सामने देखने में बहुत फ़र्क होता है। ये देखिए बीच में टापू बना हुआ है पानी की वजह से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। एक बार आप ज़रूर आएं और इन खूबसूरत नज़ारों को देखें, और यहाँ पर कूड़ा ना डालें। बहुत से लोग नदी में कूड़ा फेंक देते हैं, तो इस तरह की गलती ना करें, स्वच्छ रखें इसको ताकि इसकी खूबसूरती बनी रहे। और ये अगली टनल जो है टनल नंबर 3 पर हम पहुंच गए हैं, और टनल नंबर 3 के अंदर हम जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है, स्वास्तिक चिन्ह बनाया हुआ है। ये जो सामने पुल दिख रहा है, ये पुल जो है बाईपास है। अगर आप बिलासपुर को जाना चाहते हैं तो आगे से राइट ले लें, अगर नहीं तो आप बिलासपुर के सामने से निकल सकते हैं इस पुल के द्वारा। आगे एक चौक है, वहाँ से आप लेफ्ट ले लें और आप सीधा सुंदरनगर के हरा बाग पहुँचेंगे बाया बघेल, और बिलासपुर को आप जो है छोड़ देंगे, जो बिलासपुर की मेन मार्केट है। क्योंकि ये जो रोड है ये सामने से बना हुआ है,
और इसमें जो है घागस भी छूट जाएगा और बरमाना भी छूट जाएगा और बाया बाया ये रोड है बार बार से ही। लेकिन बसें तो बिलासपुर बस स्टैंड में जाएगी ही, अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है या फिर कोई गाड़ी बाहर से जा रही है, जैसे लुधियाना रोड हरियाणा रोड में इसकी गाड़ी आती है, कोई भी टूरिस्ट गाड़ी आती है तो वो बाहर से हो सकता है जा सकती है। और ये रहा वो पुल जो मैं दूर से दिखा रहा था, ये देखिए बहुत खूबसूरत यहाँ से नज़ारा दिखता है। पिछली बार हमने यहाँ पर फोटो लिए थे और वीडियो बनाई थी। और यहाँ पर देखिए इधर उधर आजकल जो है बरसात है, हरा भरा जो नज़ारा है ऊपर से पहाड़ियों का, जो पहाड़ियों का हरा हरा नज़ारा है वो पानी में भी दिख रहा है क्योंकि धूप बहुत तेज़ लगी है। और हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर जो है चौक है। इस चौक से बिलासपुर राइट साइड जो है बिलासपुर में मार्केट, अगर बिलासपुर नहीं जाना है सीधा मनाली जाना है, मंडी जाना है, इस सामने वाले रोड से निकल जाएं लेफ्ट लेके, और ये आपका शॉर्टकट रोड है और आपका समय भी कम लगेगा। और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। नज़ारे का अंतिम वीडियो है जिसके बाद गाड़ी ऊपर से जाएगी और ऊपर से नज़ारा दिखता नहीं है क्योंकि ऊपर जो रोड है उसके आगे पेड़ लगे हैं जिससे नज़ारा कम ही दिखता है कहीं कहीं से। फ्रेंड्स सफ़र में हमें मिल चुके हैं हमारे फ्रेंड, और ये जो है बस में यहाँ पर कंडक्टर है, और अचानक ही इनके साथ मुलाकात हो गई और इनके साथ हम सफ़र में जा रहे हैं जोगिंदर नगर और घर तक ही हमें छोड़ देंगे। फ्रेंड्स इस गाड़ी में आया मैं और ये लगेगी बस स्टैंड में, थोड़ी देर के बाद चलेगी यहाँ से। और ये है मंडी का बस स्टैंड, ये सारी बसें लगी हुई है। यहाँ से कुल्लू मनाली के लिए और शिमला के लिए ज़्यादा बसें जाती है और पठानकोट के लिए। और चलिए कुछ खरीद लेते हैं। ये है मंडी की सब्जी मंडी, यहाँ पर हर प्रकार की सब्जी मिलती है और बहुत सारे यहाँ पर फ्रूट्स भी मिलते हैं। ये देखिए सेब क्या भाव है भाई, 100 के 2 ये क्या भाव है, 1.5 किलो बढ़ता है जानता लग रहा है। ये कितना, 100 रुपये किलो ये 40 रुपये किलो ये तो लगाई दिया दूर दूर है, ये तो 100 रुपये किलो ये यहाँ पर देखिए गार्लिक, बहुत सारा सामान यहाँ मिल जाएगा, आलू है, गोभी है, फिर से सेब आ गए भाई साहब। सेब क्या रेट है भाई, 100 रुपये किलो अच्छा ये वाला 100 रुपये किलो ठीक ठीक लगाई दे लेना मैं सच्ची। चलो भाई रेट बनना नहीं, अब आगे की मार्केट में निकलते हैं। टमाटर क्या भाव है भाई, उतरा रेट। यहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं, उनसे मिल लेते हैं। जय जय ठीक ठाक है, लगे काम पे, ये यहाँ पर कार्य करते हैं सब्जी मंडी के साथ, मोमो थुक्का चाय है। दिख गए नहीं ये उधर से, मैं सेब का भाव पूछ रहा था उधर। और यहाँ पर सामने मार्केट लगी हुई, टी शर्ट जैकेट सर्दी का सामान अब आने वाला है, बैग यहाँ पर मिलते हैं। ये मंडी की जो है मार्केट है कॉलेज रोड की। दोस्तों बस लगी हुई है, 6 बजे जाएगी, और यहाँ पर भूख लगी है ज़ोर से तो मोमो खा लेते हैं यहाँ पर भाई साहब। यहाँ पर
इनकी दुकान जो है सब्जी मंडी के सामने ही है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। इनकी दुकान का नाम है जी चाइनीज फास्ट फूड, सब्जी मंडी के सामने। 1.5 किलो डाल दो। ये लो जनाब, कोई चक्कर नहीं माता, मैं नहीं बोलता कुछ भी। ये कैमरा है, ये चलता रहा साहबी। भाई क्या क्या लग रहा बंदा करता सांझा, देख अभी क्या क्या कितना साड़ जा रहा है। फ्रेंड्स सेब की खरीदारी हो गई है और अब मैं देखूंगा अपनी बस यहाँ ऊपर लगी होगी, थोड़ी देर में जाने वाली थी। मोमो भी खा लिए, बड़ा मज़ा आया। अब चलते हैं, बस लेते हैं बस स्टैंड के अंदर। फ्रेंड्स ये है बस स्टैंड, यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है और यहाँ पर हमारी बस लगी है बीचों बीच HRTC की, दिल्ली जोगिंदर नगर। ये बस है हिमदारा, बंदे मजाक कर रहे हैं और अब हम जाएंगे बस में। की तरफ जा रहा हूँ और ये जो है ये रोड गया मनाली को, कुल्लू मनाली केलांग, और ये वाला रोड जाता है आगे की तरफ को पठानकोट, जहाँ पर मेरे घर भी हैं। इस रोड में ही मेरे घर हैं घटासनी में, और ये भीमाकाली टेंपल, और ये ब्यास रिवर बह रही है जो कि मनाली से ही आती है। और ये शाम का समय का नज़ारा है, ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है। घर पहुंचते रात हो गई और देखिए रात ही रात है, ये तो मोबाइल की टॉर्च जलाई है तब वीडियो बना रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पर अभी मैं बस से उतरा और जा रहा हूँ घर। घर पहुँच के बनाता हूँ अब, यहाँ तो शक्ल दिख भी नहीं रही है, टॉर्च लगा रहा हूँ मुंह पे तब दिख रही है। अभी मैं घर के बाहर ही पहुँचा हूँ, अब मैं कैमरा ले जाऊँगा चुपके से, रिजुल को देखते हैं क्या क्या बोलेगा अभी। और रिजुल क्या बन रहा है भाई साहब? रिजुल बेटे क्या बन रहा है? आशीर्वाद। कोई आए हैं आपके घर में? बदतमीज देख, फोन दे, मैंने फोन करना किसको? हेलो मिस्टर, ये क्या है? क्या? ना हेलो ना शेलो ना कुछ, पैर ही पकड़े बस। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। क्या बन रहा है आज खाने में? क्या बन रहा है खाने में? हैं? गोभी की सब्जी।
हो जाएगी तुझे कब्जी, खा के गोभी की सब्जी। रिजुल का फोन पर ही रहता है ध्यान है, बाकी कोई काम नहीं है, फोन ही फोन है, बस फोन ही फोन। टीचर डे और था आज बैग ले जाना था। आय हाय, क्या क्या किया टीचर डे में बोलो। टीचर डे तो यार कल पर सुनी था, आज मनाया था, कल था टीचर डे। अच्छा पानी पी लेते हैं हम यार। क्या क्या किया आपने टीचर डे में? कौन कौन सा मेला, कौन सा मेला था आज? मेला। उसमें क्या क्या किया आपने? ऐसे मत कर, वीडियो बन रही है तेरी बड़ी देर से बन रही थी वीडियो। नहीं नहीं नहीं, आप अपने साइड करो इसे मैं तो चुपके से बना रहा था वीडियो भाऊ, कि रिजुल क्या क्या करता है। तू तो फोन ही देखता रहता है, आज मुझे लग गया पता। क्या करता क्या करता क्या करता निपुण मेले में क्या क्या किया आज? दालों का पता लगाना पूछा रहा। दानों का पता लगाना? दालो। दाल कौन कौन सी दाल होती है? पर मुझे पूछ नहीं, पर मुझे भेज दिया क्योंकि वो लंच टाइम होने वाला था। अच्छा लंच टाइम होने वाला था, फिर क्या थियो भेजा तू? फिर वो है हिंदी का जिसमें वो कलम वो ओ हिंदी के वो दिए थे ना। अच्छा ऐसे लिख लिख के उसमें फिर उसने मुंह लगा था और गधा बना को बोलो और बना दिया। फिर ओ आगे चले, फिर ओ सम करने को आए, सम में सब कुछ, फिर वो आए ओ फिर ओ इंग्लिश के आई मुझे बिग बनाने के को बोला, फिर मैंने बिग बनाया, फिर हो गया। अच्छा गुड बाय बोल दो अब। गुड बाय फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सफर में आपने देखा कैसे मैं घर पहुंचा और रिजुल के पास मैं पहुंच चुका हूं। अब रिजुल की वीडियो भी आएगी। आएगी आएगी। ये भाग क्यों रहा है? फोन से पापा ने वो लाइक देखने की बाइक। ओ लाइक देखने हैं। कितने लाइक हुए? रिजुल की वीडियो डाली थी फेसबुक में, अब लाइक देख लेते हैं इसके कितने लाइक हुए हैं। सारे मिलाकर फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। पासवर्ड क्या है जी? ये रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, नेट ऑन करना दे YouTube। अभी इसके लाइक देख लेते हैं कितने लाइक हुए इसकी वीडियो में, जो इसकी वीडियो पहले डाली थी। कितने लाइक हुए देखते नहीं आप रोज? 13,000 हुए थे लास्ट टाइम। कितने हुए थे? 13,000। 14,000 लाइक हो गए एक वीडियो पे। एक और वीडियो डाली थी उसमें कितने हुए हैं? 5,600 लाइक। वेरी गुड रिजुल ठाकुर के लिए तालियां बजाई जाए, तालियां बजा तो फ्रेंड्स ओके गुड बाय। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बोरिंग हो जाएगी नहीं तो। गुड बाय करो बेटे। गुड बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और पेज को फॉलो करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। बोलो वीडियो को लाइक शेयर नहीं बोलना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर। बोलो वीडियो को शेयर करना। भूल गया रिजुल ठाकुर, ट्रेनिंग देना पड़ेगी इसको अभी 2-3 दिन में। गुड बाय।